अब तक आपने ना जाने कई ऐसे डायनासोर्स की बैटल देखी होगी। जिसमें से ज्यादातर डायनो विशाल आकार और शक्तिशाली हुआ करते थे। पर आज का ये बैटल है इतिहास के दो सबसे अकलमंद, तेज तथा खूंखार डायनासोर के बीच। और इन अकलमंद डायनासोर को सबसे खतरनाक डायनासोर भी कहा जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये अपनी होशियारी से अपने से कई गुना विशाल डायनासोर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करते थे। पर अच्छी बुद्धि के साथ इसमें ताकत का भी भरमार पाया जाता था। बिजली सी रफ्तार दोनों में ही पाई जाती थी और इनके पास धारदार तथा नुकीले नाखून तथा दांत भी पाए जाते थे। हम बात कर रहे हैं अकलमंद ट्रूडॉन और तेज वेलोसिरेप्टर की, तो वीडियो का बिल्कुल आखिरी तक आनंद लें। ट्रूडॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ वोंडिंग टूथ या आप इसे घाव देने वाले दांत कह सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को जब पहली बार ट्रूडॉन के दांत मिले तो उन्होंने पाया कि इसके दांत दूसरे कार्निवोरस डायनासोर के दांत के मुकाबले ज्यादा सेरेटेड हुआ करते थे, जिसका एक ही मतलब था कि कम बाइट फोर्स होने के बावजूद भी ये अपने दुश्मनों को काफी जख्म दे सकते थे। वहीं वेलोसिरेप्टर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ स्विफ्ट रेप्टर या स्विफ्ट रॉबर होता है, यानी इसे तेज लुटेरा कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी तेज गति, नुकीले पंजे और तेज नजर से कोई नहीं बच सकता और ये अपना शिकार झुंड बनाकर किसी लुटेरे की तरह लूटते हैं। अगर दोनों की समय काल की बात की जाए तो इसमें ट्रूडॉन के अवशेषों को पहली बार सन 1855 को नॉर्थ अमेरिका में ढूंढा गया, जिसके बाद ये जानकारी निकल कर आई कि ये एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों पर क्रिटेशियस काल के 77 मिलियन सालों पहले पाए जाते थे। और इनका दबदबा ना सिर्फ बड़े आकार के शाकाहारी जानवर बल्कि मांस भक्षक डायनासोर के बीच भी हुआ करता था। वहीं वेलोसिरेप्टर के कंकालों को पहली बार सन 1923 को मंगोलिया में ढूंढा गया, जिससे ये जानकारी निकल कर आई कि मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से लेकर चीन के कई हिस्सों तक 7 करोड़ सालों पहले इस लोमड़ी सा तेज वेलोसिरेप्टर का राज हुआ करता था, जो अपने शिकार को भूल कर भी अपने हाथों से नहीं जाने दिया करता था। और यदि हम दोनों के खाने की आदतों पर ध्यान दें, तो आकार में छोटे होने के कारण एक ट्रूडॉन को छोटे आकार के लिजर्ड और मैमल्स पसंद थे, लेकिन मौका मिलने पर ये अपने से बड़े डायनासोर को भी मार गिराने में कोई संकोच नहीं करते थे। और इन नन्हे डायनासोर्स को ज्यादातर जंगलों, घास के मैदानों, बर्फीले क्षेत्रों और स्वाम्प एरिया में रहना पसंद था, क्योंकि इस वातावरण में ये खुद को अच्छे से ढाल पाते थे और इन्हें शिकार भी आसानी से मिल जाया करती थी। वहीं एक वेलोसिरेप्टर के मील में रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, छोटे डायनासोर्स और मैमल्स शामिल थे, और ये रेगिस्तान के वैसे क्षेत्रों में रहा करते थे जहां छोटी मोटी झाड़ियां व पेड़ पौधे पाए जाते थे, क्योंकि वैसे जगहों में शिकार की होने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। दोनों डायनासोर्स की आकार की बात करें तो ये आकार में छोटे आकार के हुआ करते थे, क्योंकि एक ट्रूडॉन की लंबाई 11 फीट तथा वजन 50 किलो तक ही होता था। वहीं विकिपीडिया की माने तो एक वेलोसिरेप्टर मात्र 7 फीट लंबा और 20 किलो तक ही भारी होता था, लेकिन जुरासिक पार्क में इसकी लंबाई 13 फीट तक बताई गई है और वजन में भी इन्हें 150 किलोग्राम तक भारी बताया गया है। पर वास्तविक मिले कंकालों से यह साबित होता है कि वेलोसिरेप्टर 7 फीट तक ही बढ़ सकते थे। एक ट्रूडॉन की ब्रेन साइज अन्य जीवों के ब्रेन टू बॉडी रेशियो की तुलना में ज्यादा बड़े होते थे, जिससे इस बात का पता चलता था कि इससे ज्यादा अकलमंद कोई दूसरा डायनासोर नहीं होता था। इसके साथ ही ट्रूडॉन में कई खूबियां पाई जाती थी, जैसे कि इसके बड़े बड़े दो आंख, जिसकी मदद से ये रात के वक्त भी चीजों को काफी क्लियर देख पाते थे। इसके अलावा इसके सेरेटेड दांत, नुकीले पंजे और हल्की शरीर इसे खूंखार तथा तेज बनाती थी। वहीं दूसरी ओर वेलोसिरेप्टर भी काफी अकलमंद डायनासोर हुआ करते थे। इनके पंजे के नाखून तो और भी लंबे तथा धारदार हुआ करते थे। इसके साथ ही इसमें लाजवाब की रफ्तार पाई जाती थी, क्योंकि इसकी हड्डियां काफी खोखली हुआ करती थी। इसके साथ ही इसके शरीर में फेदर्स पाए जाते थे, जिसके कारण ये अपने दुश्मनों पर उछलकर अटैक कर सकते थे। दोनों ही डायनासोर का शिकार करने का तरीका एक ही प्रकार का होता था, पर इसमें ट्रूडॉन एक कदम और भी आगे था, क्योंकि एक और जहां वेलोसिरेप्टर अपने शिकार का पूरे झुंड सहित पीछा किया करते थे, वहीं ट्रूडॉन पहले तो चारे के रूप में अपने से बड़े शिकार के सामने जाता था। जब शिकार ट्रूडॉन को ही शिकार समझ इसका पीछा करता था
तो ट्रूडॉन उस शिकार को अपने झुंड के पास ले जाया करते थे ताकि भागने में सभी ट्रूडॉन की ऊर्जा खत्म ना हो जाए और सभी ट्रूडॉन मिलकर बड़े शिकार को मौत के घाट उतार दे। इसलिए शिकार करने में ट्रूडॉन से माहिर आजकल के भी जीव नहीं होते हैं। तो जब कभी इन दोनों शिकारियों का आमना सामना होगा तो दोनों ही अकेले कभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि दोनों समूह में ही रहा करते थे। इसलिए जब एक ट्रूडॉन वेलोसिरेप्टर के पास चारे के रूप में जाएगा जिसका पीछा पूरा झुंड करेंगे, लेकिन ट्रूडॉन काफी तेज भागा करते थे इसलिए ये अपने अड्डे तक पूरे झुंड को ले जाएगा। जब सभी वेलोसिरेप्टर उस ट्रूडॉन का पीछा कर थक जाएंगे तो उन पर ट्रूडॉन का पूरा परिवार टूट पड़ेगा। हालांकि इस लड़ाई में दोनों ही टीम को काफी चोटें आएंगी पर आकार में विशाल और ज्यादा अकलमंद होने के कारण ट्रूडॉन इस जंग को जीत जाएगा। लेकिन अगर जुरासिक पार्क के ट्रूडॉन को इस जंग में उतार दिया जाए तो हो सकता है कि इस घमासान में ट्रूडॉन की हार हो जाए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।